प्यारे दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त की अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का आजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था। और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करा दी। उसके बाद में उस शख्स के साथ जो हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर जरूर लिख दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया। इत्तेफाक से उसको जो वहाँ पर रहने के लिए जो मकान मिला उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 वक्त रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वो ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फजर की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गई। ये देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउडस्पीकर पर मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। ये सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, ये तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह सुबह लाउडस्पीकर में अजान न दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेगी। और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफी फायदा हासिल होगा। ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उससे पहले ही नफरत करता था, इसलिए वो फिर इस आदमी के ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और याद रखना, खबरदार, अगर तुमने कल लाउडस्पीकर से सुबह फजर की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले को खरी खोटी सुनाकर भेज दिया, मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, इसलिए फिर उसने अगले ही दिन सुबह फजर के वक्त लाउडस्पीकर में अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो गुस्से से लाल हो गया और वो फौरन उस अजान देने वाले के पास गया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने तुमको कल कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउडस्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता, वो तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया तू इसे अपने अजाब में डाल दे, इसे ऐसी सजा दे इसकी अकल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मोजिन की आवाज अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया, यानी कि उसी रात वो अल्लाह की पकड़ में आ गया। जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा उस रात वो अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह वो उठ ना सका क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। उसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया मगर उसका वो मर्ज ठीक न हो सका। ये देखकर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वो भी आना बंद हो गई। अब घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसको अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उसके कपड़े बदलती थी, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी, और इसके बदले में उसकी बीवी को गालियां ही सुनने को मिलती थी। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद में उसकी बीवी भी
उससे तंग आ गई और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया और कहने लगी, भैया मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूँ, पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूँ मगर ऊपर से ये मुझे गालियाँ देता है, मारता पीटता है, अब मैं यहाँ पर इसके साथ में नहीं रह सकती हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ से ले जाइए। ये सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने के लिए आ गया और फिर उस ऑफिसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया, अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया, अब उसकी दोनों टांगे सीने से जा लगी थी, अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था, अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पांव काम कर रहे थे और घर में ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। ये देखकर एक दिन उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब ये ना तो खुद उठ सकता था और ना ही खुद के हाथों से खा पी सकता था, अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नजासत धोए, अब कौन इसके कपड़े बदलवाए। ऐसे ही करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो ये रोज रोज काम नहीं होगा। ऐसे ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने ही उस भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया, उसको कोई सख्त बात कह दी क्योंकि उसकी जबान काबू में न थी, इसलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। ये सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए क्यों ना इसी भाई को यहाँ से हटा दिया जाएगा। इसलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसलिए थोड़ी ही देर में वो सूरज गर्मी में तपने लगा, उसको पसीना आने लगा, अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी, सुबह से उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। अब ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और कराह रहा था और कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाकन से उसी रास्ते से उसी मौजिन का गुजर हुआ जिसे उसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे पर एक चारपाई पर एक शख्स लेटा हुआ फरियाद कर रहा है। ये देखकर वो मौजिन उसके पास गया, जैसे ही उसने उस ऑफिसर को देखा तो वो पहचान गया कि ये वही ऑफिसर है जिसने उसको थप्पड़ मारा था। ये देखकर मौजिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ऐ शख्स तुम्हारे साथ ये क्या हो गया है, तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वो ऑफिसर भी मौजिन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मौजिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मौजिन को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था, उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज मेरे पास में कोई खड़ा तक नहीं होता है, मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वो ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उस मौजिन को उस पर तरस आ गया, उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया, फिर अपने हाथों से उसको खाना खिलाया और यही नहीं फिर उसे उठाकर वो अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। उस मौजिन ने उसे बताया कि तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगो। ये सुनकर वो ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से माफी मांगता रहा और साथ ही साथ वो मौजिन उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह ने फौरन उनकी दुआ को कबूल फरमाया और कुछ ही दिनों की खिदमत के अंदर ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वो उठकर चलने फिरने लगा, सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों याद रखें, जो कोई जिस मजलूम पर जुल्म करता है उस पर फिर इसी तरह से अल्लाह का आजाब उतरता है। बाज मर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। आज हमारे पास में वक्त है सही मायने में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का। हदीस पाक में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐ औरतों जब तुम बिलाल का आजान एकमत कहते सुनो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो, अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दरजात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। ये सुनकर ख्वातीन हजरात अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के लिए दुगुना है। प्यारे दोस्तों इसी बात पर कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।